यहाँ पर असल में हम पहले तो लकड़ी की टाल भी खोली हुई थी दुकान के बाद, फिर बर्फ़ भी बेचते थे, बर्फ़ गोला भी मैंने बेचा है यहाँ पर, पापड़ भी बेचे हैं, फिर गुटखा वगैरह भी बेचा है बना के, और केबिन भी लगाया है पान बीड़ी सिगरेट का, बर्फ़ भी बेच रहे हैं, बर्फ़ गोला भी बेच रहे हैं, पापड़ भी बेच रहे हैं और दुकान भी चला रहे हैं। तो हम दोनों लगे रहते थे सुबह से शाम तक, बर्फ़ भी कारखानों से ला ला के हम बेचते थे, और इतना बर्फ़ बिकता था कि पूरे शहर में नहीं बिकता, इतना चौक में बर्फ़ बेचते थे। और इसी मोहल्ले के रहने वाले थे, तो एक का नाम तो मुख्तार है, वो मशहूर था कल्लू के नाम। सांगढ़ का कल्लू बिल्लू चौक या सांगढ़ का वो इलाका जो पुराना शाही बाज़ार का इलाका कहलाता है। कल्लू बिल्लू चौक सांगढ़ की वो आबादी है जहां पर सांगढ़ शहर के बाज़ारों और मोहल्लों की गलियां यहां आकर मिलती हैं। शहर के बाज़ारों मोहल्लों की गलियां कल्लू बिल्लू चौक पर घूम फिर कर आ जाती हैं। सांगढ़ का कदीम तरीन बाज़ार और इलाका यही कहलाता है। पुराना शाही बाज़ार, मोती मस्जिद, पुराना हिंदू मोहल्ला, मोहसिन शाह की गली, मुस्लिम इजहार, टाउन नंबर 1 स्कूल, राणा इकबाल DSP की गली, रहमत शाह चौक वाली गली, सोसाइटी जाने वाली गली और कई रास्ते रह गुज़र पल खाते हुए कल्लू बिल्लू चौक पर पहुंचते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले यहां पर हिंदू आबादी, जिसमें दीवान, बनिए, गुजराती, मारवाड़ी हिंदू और दूसरे आबाद थे। ये इलाका सांगढ़ की तंग गलियों वाला है जहां पर हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी रहती थी, जो कयामे पाकिस्तान के बाद यहां से हिजरत कर गए या सांगढ़ के दूसरे इलाकों या दूसरे शहरों में नकल मकानी कर गए। यहां पर अखरोट की लकड़ियों का बेहतरीन बंगला बना हुआ था, जिसकी बालकोनियां बाहर को निकली हुई थीं, जिसको मशरकी पंजाब के अमृतसर के हुनरमंदों ने बनाया था जो कश्मीरी मुसलमान थे। यहां पर दूसरे हिंदुओं के बेहतरीन घर लकड़ी के बने हुए थे, जिनका अब नामो निशान नहीं, मगर ये गलियां जूं की तूं मौजूद हैं। इस इलाके में एक चौक कल्लू बिल्लू चौक है जहां पर तमाम बाज़ारों मोहल्लों की गलियां पहुंचती हैं। कल्लू बिल्लू चौक दो दोस्तों कल्लू मुख्तियार कुरैशी और बिल्लू के नाम से मशहूर हुआ। मैं मुख्तियार अहमद कुरैशी कल्लू भाई के नाम से मशहूर हूं। वहाँ दो दोस्त, एक बिल्ली के नाम से मशहूर था, एक कल्लू भाई बोलते थे। वहाँ पर हमने दुकान खोली मुश्तरका मिलकर, एक फिर धोबी मोहल्ला कहलाता था वो। धोबी मोहल्ले में दुकान की, धोबी मोहल्ले में जब हम फिर कामयाब हो गए, सबसे अच्छा इखलाक था, किरदार था, समाजी काम भी करते थे मोहल्ले वालों के। फिर शाह साहब आ गए वहाँ पर, वो इलेक्शन में खड़े होते थे हमेशा, मोहसिन शाह साहब नाम है उनका, उनकी फिर हम सपोर्ट करते थे, पूरा मोहल्ला हमारे साथ होता था और हमेशा वो कामयाब होते थे, उनके मुकाबले में जीत नहीं सकता था क्योंकि पूरा मोहल्ला हमारे साथ था, हम शाह साहब के साथ थे। दोनों कल्लू बोले तो दोनों भागे फिरते थे हर काम के। हम तक हो गए बल्दिया में चेयरमैन भी हो गए, फिर हमने वहाँ पर डाकखाने में अप्लीकेशन दे के लेटर बॉक्स लगवाया, उसके बाद हमने लाइट लगवाई इस चौक में, पानी का भी कनेक्शन वहाँ पे करवाया फ्री, और हर सहूलत हम लेते थे वहाँ से बल्दिया से।
बल्दिया वाले भी हमारे साथ। सांगढ़ में जब अभी बिजली नहीं आई थी, यहाँ पर एक फानूस रखा हुआ था जिसको शाम को चतुर्भंगी बल्दिया की तरफ से शमय जलाने आता था। बाद में ये चौक कैसे कल्लू बिल्लू के नाम से मारूफ हो गया, ये भी बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। यहाँ दो पार्टनर थे और इसी मोहल्ले के रहने वाले थे, तो एक का नाम तो मुख्तार है, वो मशहूर था कल्लू के नाम से, अभी माशाल्लाह हैं वो, हयात हैं। बिल्लू जो था उसके वालिद जलालुद्दीन कपड़े वाले थे, यहाँ सईद मार्केट में उनकी दुकान थी, और यहाँ दोनों ने कारोबार किया था इस चौक में। तो पहले उन्होंने एक मांडली लगाई छोटी, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ लकड़ी का टाल खोला, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने, उनकी दोस्ती बहुत थी, वो कल्लू था और वो बिल्लू था, तो दोस्ती में उनका कारोबार भी चलता था बहुत अच्छा। तो फिर वो दोनों बहुत मशहूर हो गए, एक कल्लू और एक बिल्लू। इस तरह उन्होंने फिर यहाँ पर कारोबार भी करते रहे और रहायश भी की, चूँकि यहीं के रहने वाले थे इस मोहल्ले के। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उनकी शादी वादी हो गई, आगे फिर सिलसिला चलता गया, तो ये चौक भी जो इसी उनके नाम से मशहूर हो गई, कल्लू और बिल्लू, बाकी कोई और। सांगढ़ शहर के मरकज में आज भी ऐसी गलियां इस मोहल्ले में मौजूद है जहां पर कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। ये गलियां, ये मोहल्ले, ये चौबारे सांगढ़ के कदीम तरीन हैं। क़याम पाकिस्तान से पहले यह मोहल्ले, ये गलियां मौजूद थी। यहाँ पर गुजराती हिंदू दीवान बनिए और दूसरों के बने हुए महल नुमा घर थे जो डबल स्टोरी थे, जिनमें अखरोट की लकड़ी के दरो दीवार और लोहे के गिल को नहायत नफासत से बालकोनियों और छतों पर बनी चार दीवारी पर लगाया गया। ये पुराना शाही बाजार भी है जहाँ पर तंग गलियों का मेलाप होता है, इसको मुख्तलिफ चौक के नाम से पुकारा जाता था। और सूरज ढलते ही बल्दिया का कर्मचारी चौक के कोने में लगे फानूस में शमाई जलाकर चला जाता था और मोहल्लों के पढ़ाकू बच्चे इन रोशनियों तले पढ़ा करते थे और स्कूल का होमवर्क और इम्तिहानात की तैयारियां करते थे। यहां पर दो दोस्तों की कहानी भी जन्म लेती है, एक का नाम कल्लू, दूसरे का नाम बिल्लू था। ये दोनों उर्दू बोलने वाले थे। बिल्लू भाई जो है ना, मेरा दोस्त था बस, वो स्कूल से आके मेरे पास ही रहता था, और ये अपने जलाल बाबा का लड़का था, मेरे नाम का, मेरे वाले का नाम अब्दुल जलील था, तो हम दोनों बहुत गहरे दोस्त थे, एक दूसरे को एक मिनट भी नहीं छोड़ते थे, हर वक्त साथ रहते थे। अच्छा लगता है। ये पहले तो हमारे घर वालों की मोहब्बत है कि जिन्होंने मुख्तियार से कल्लू नाम रखा, कल्लू मोहब्बत में रखा ना, तो वही मोहब्बत में मोहल्ले में, इधर धोबी मोहल्ले में हमारा नाम हो गया, फिर कल्लू भाई के नाम से पूरे सांगड़े में छूरे। फिर मैंने फ़ोटो का काम किया, जफर भाई ने मेरे को फ़ोटो की दुकान खुलवा के दी, फिर गर्ल स्कूलों में जितने भी थे उनमें कलर फोटोग्राफी में ही करता था, फिर मुझे लेडीज़ फ़ोटोग्राफ़र भी लोग बोलने लगे, कल्लू भाई लेडीज़ फ़ोटोग्राफ़र। उसके बाद जो है ना, उन्होंने हमारे शहर में दुकान खुलवा के दी। अब जो है ना, फिर मूवी का काम भी मैंने शुरू कर दिया, मूवी के काम से जो हमको इतनी हुई कि हर चक में, हर कोर्ट में, हर जगह पर कल्लू भाई के नाम से पहचाना जाता हूँ। सिंध मूवी के नाम से हमारी मूवी थी, कलर फोटोग्राफ़र के नाम से था, और लेडीज़ बेंगल था, लेडीज़ फोटोग्राफ़र था, इस नाम से मेरा सब जानते हैं। कल्लू बिल्लू चौक दोनों की वजह से मशहूर भी हुआ और पुर रौनक भी। कल्लू और बिल्लू इस चौक पर मुख्तलिफ दुकानें और चीज़ें बेचते रहे। इन्हीं दुकानों को ईद के मौके पर शामियाने लगाकर, झंडियों से सजाकर, कभी अंधेरी गलियों में बल्ब जलाकर, कभी नलका लगवाकर इसको आबाद करते रहे और यूं लोगों का आना जाना होता रहा। नहीं, ये दोनों दोस्त हैं, एक का कल्लू नाम था, दूसरे का बिल्लू। बिल्लू बर्फ का काम करता था और कल्लू की यहाँ पे परचून की दुकान होती, फोटोग्राफी भी करता था साथ में। ये जो दुकानें आगे बढ़ी हैं, इस जगह पे पहले कल्लू की दुकान होती थी और सामने बेरी के नीचे बर्फ का फट्टा होता था, उसका बिल्लू का। और इतने डॉक्टर होता सी, डॉक्टर अली वीडियो सेंटर हम देखते थे बचपन में, इनका वीडियो सेंटर होता था और तस्वीरें के खींचते थे कैमरे के साथ, उसकी दुकान होती थी। खतों किताबत का दौर था, डाक का लाल बक्स भी इस चौक पर लग गया था
और पुराने दौर का एक फानूस भी इस चौक के कोने में कहीं दीवार पे लटका हुआ होता था, जिसको आखिरी दौर में चत्रु भंगी के नाम का बल्दिया मुलाजिम रोशन करके चला जाता था। कल्लू और बिल्लू की वजह से इस चौक पर बड़ी रौनक बनी रहती थी। आज भी सांगढ़ के तमाम बाजारों मोहल्लों की गलियां कल्लू बिल्लू चौक से ही होती हुई दूसरे इलाकों तक जाती हैं। कल्लू बिल्लू चौक सांगढ़ के क्लब में वाक़ है। कल्लू बिल्लू चौक से मुतसल बाज़ार, जिसको पुराना शाही बाज़ार कहते हैं, 1958 में बनने वाली सईद मार्केट की वजह से उजड़ गया था। वो धीरे धीरे नई सूरत में आबाद होना शुरू हो गया है। तारीख अपने आप को दोहराती है। कल्लू बिल्लू चौक सांगढ़ की पहचान है। कल्लू बिल्लू नाम लेने से ही सांगढ़ के पुरानी तंग गलियों वाला ऊंचाई पर आबाद मोहल्ला और पुराना शहर नज़रों के सामने घूम जाता है। इन गलियों में गुजरते हुए कभी कभी दिल्ली के तंग गलियों का गुमान भी होता है, क्योंकि 60 की दिहाई से पहले यहाँ पर इतने शानदार लकड़ी और शीशे के महलनुमा घर बने हुए थे कि वाह वाह। गर्मियों में शाम होते ही बड़े बूढ़े गलियों में चारपाइयाँ लगा कर हुक्के के बड़े बड़े कश लगाया करते थे, और मोहल्ले की बड़ी बूढ़ियाँ रिवायती खानों, शादी ब्याह, ब्लैक एंड वाइट दौर की टीवी ड्रामों, फिल्मों, नूरजहान, मेहदी हसन, नाहिद अख्तर के गानों पर तबसरे करती। ठंडी हवा का झोंका बड़ा ही लुत्फ देता। तंग गलियों में औरतें अपने घरों के दरवाज़ों पर बैठ जाती और आमने सामने दरवाजे होने की वजह से एक दूसरे के घर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। नमक, चीनी, धनिया, प्याज, टमाटर वहीं से हाथ बढ़ाकर दिए और लिए जाते। कमसन नौजवान रेडियो कान से लगाकर गलियों में घूमते झूमते रहते। कल्लू बिल्लू चौक की सब तंग गलियों से गुजरकर जब ठंडी हवा आती थी तो पंखे किसी को भी याद न होते। हब्स के ज़माने में हाथ के पंखे झेले जाते। सांगढ़ की वो तंग गलियाँ, बाजार और जदीद घर भी मौजूद हैं। अब वो प्यार देने वाले और प्यार लेने वाले लोग मौजूद नहीं। इन गलियों में बचपन गुजारने वाले न जाने कहाँ चले गए, जिनके घर की गलियाँ घूम फिर कर कल्लू बिल्लू चौक पर आती, जहाँ रात गए तक फानूस में दिया जलता पुछता रहता। मोहल्ले के लोग कल्लू बिल्लू चौक पर न सिर्फ फख्र करते हैं, बल्कि इस नाम को अपने लिए एजाज भी समझते हैं। चौक का नाम ऐसे पड़ा जी, चौक दोनों दोस्त थे और फिर उन्होंने अपने इस मोहल्ले में दुकान खोली। एक ने केबिन खोली, एक ने दुकान खोली। जो बिल्ली था वो आंखों से बिल्ला था, कल्लू जो था उसका नाम कल्लू था, तो कल्लू बिल्ली दोनों पार्टनर भी थे और दोस्त भी थे, तो इस लिहाजे से इस पाड़े का नाम कल्लू बिल्ली चौक रख दिया गया। सिलसिला चलता रहा। उन्होंने एक नलका लगवा लिया, डाक लगवा ली, पोस्ट ऑफिस वाली डाक लग गई, कुछ मोहल्ले में वो बैटरी मैटरी लगा दी, सेवर मेवर लगा दी, ट्यूबलाइट वगैरह लगी, चौक रोशनदान हो। ईद के दौरान तंबू कनाते वगैरह लगा के, बोतलें वगैरह लगा के पाड़े का माहौल खुशवार कर देते थे। काफ़ी रश रहता था 12-1-2 बजे तक, तो इस पाड़े में दूसरे पाड़ों की बनस्बत रौनक बहुत रहती थी, तो लिहाजा इस लिहाज से इसका नाम कल्लू बिल्ली चौक पड़ गया। वैसे हमारा ये पुराना शाही बाजार का इलाका है। अब उनमें से कल्लू तो जिंदा है, बिल्ली फोत हो गया। इकरार नाम था उसका, बिल्ली का नाम इकरार था, बिल्ली का नाम इकरार था, कल्लू का नाम वैसे कल्लू है। मुख्तार नाम है कल्लू का। मुख्तार, हाँ मुख्तार नाम है, मुख्तार नाम है, सॉरी। अभी तो उसकी चूड़ियों की दुकान है और ये सिलसिला है इनका, ये सिस्टम, ये इनकी कहानी है। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि पुराने टाइम पे मैं भी इसी रास्ते से गुजरता था, तो यहाँ पे एक कल्लू चूड़ी वाले के नाम से, असल में उसका नाम है मुख्तार कुरैशी, मुख्तार अहमद कुरैशी।
तो उसकी यहाँ पे फोटोग्राफर की दुकान थी और उसके साथ ही बराबर में बिल्लू जिसकी परचून की दुकान कहा जाता है, इसमें घर की ये चीज़ें वगैरह अवेलेबल जो होती हैं, तो ये दोनों साथ बैठते थे तो एक दूसरे को, यानी एक को कल्लू कहा जाता था तो दूसरे को बिल्लू। तो लोग आते और खतो किताबत ये तो वो यही एड्रेस लिख देते कि भाई कल्लू बिल्लू चौक पे पहुँच जाए, तो ये दोनों दुकान थे। लेकिन इसके अंदर एक जो बिल्लू था वो दुकान छोड़ के बहुत हो चुका है और कल्लू भी वहाँ से दुकान छोड़ गया, अभी सही मार्केट में आके उसकी चूड़ियों की दुकान है। तो ये इसी वजह से इसको कल्लू बिल्लू चौक कहा जाता है। बाकी मुख्तलिफ रास्ते, एक ये रास्ता इधर मोती मस्जिद की तरफ आता है यानी सईद मार्केट की तरफ, एक रास्ता ऊपर वो रहमत शाह चौक की तरफ निकलता है और तीसरा रास्ता जो पतली सी गली है वहाँ भी हिंदू वगैरह और सोसाइटी की तरफ निकलता है। ये रास्ते हैं।